दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे आहूजा का डीजे सेटअप। आप कह सकते हैं कि भाई हाँ मैं यहां आहूजा में हूं और यहां पे कंप्लीट सिस्टम है जिसमें आपको एम्पलीफायर्स, यहां पे बेस, यहां पे आपको टॉप और बहुत मज़ेदार सी टेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सी क्वालिटी के साथ में आपको वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि आहूजा का डीजे सेटअप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डीजे सेटअप में आपको क्या क्या मटेरियल जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पे भी हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले टॉप और बेस से, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा यहाँ पे एम्पलीफायर की तरफ पे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको आहूजा की ब्रांडिंग मिला थी। मॉडल नंबर यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये है दोस्तों XPX710। अब ये जो है वो XPX710 है। अगर मैं इसकी पावर रेटिंग्स की बात करूँ तो आप सबसे पहले देख लीजिए 600 वाट है। और अगर मैं इसके अंदर स्पीकर्स की बात करूँ HF कैसा है यानी कौन सा है, सबसे पहले जो कि स्पीकर है ये है 300 वाट का, एक 12 इंच का स्पीकर है, दूसरा यहाँ पे 12 इंच का स्पीकर मिल जाता है, दो स्पीकर ही हो जाते हैं। या अगर मैं HF की बात करूँ तो 80 वाट का यहाँ पे आपको HF मिल जाता है। टोटल अगर मैं पावर एक बॉक्स की जो कि यहाँ पे मेंशन है 600 वाट RMS पावर है, 1200 वाट इसकी जो है प्रोग्राम पावर यहाँ पे मेंशन रहती है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल इसका जो कि ग्रिल का गेज है, ग्रिल का डिज़ाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रगेन टफ यहाँ पे ग्रिल का डिज़ाइन दे रखा है। काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे अगेन ये जो लोगो है ना काफ़ी अच्छा लगता है, किसी भी स्पीकर पे लग जाता है ना तो मतलब उसकी शान ही बढ़ा देता है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे अगर साइड की डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए ये आपको हैंडल्स जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे ये पूरा मेटल हैंडल आपको मिलता है। क्वालिटी फिनिश आप देख लीजिए कि यहाँ पे पूरा CNC वर्क जो है वो कंपनी की तरफ से करा गया है। पेंट फिनिश आप देख लीजिए यहाँ पे, ये वाटर प्रूफ या फिर आपसे कह सकते हैं कि रफ एंड टफ, यहाँ पे स्क्रैचेज नहीं आएंगे भाई। और हल्का फुल्का अगर गंदा होता तो हल्के से कपड़े से ये साफ हो जाएगा, इस तरीके का यहाँ पे पेंट जो है वो इसके अंदर रखा गया है। ओवरऑल ये है इसका बैक लुक। अब बैक लुक में एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये आहूजा की ब्रांडिंग है, यहाँ पे दो स्पीकर सॉकेट्स मिल जाता है। अगर आप एक से इंपोर्ट करते हैं तो दूसरे से आप इसको यहाँ पे पैच भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए ये कनेक्शंस भी इसके अंदर जो है वो बता रखा है, मेड इंडिया प्रोडक्ट है। सबसे अच्छी बात ये प्योरली मेड इंडिया प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ मटेरियल बाहर से लाया और यहाँ पे फिट करके आपको दे दिया, पीछे फैक्ट्री है। आपको भी मालूम है कि आहूजा पूरे प्योरली यहाँ पे मेड इंडिया प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। चलिए स्पीकर को हम वापस लगा देते हैं। तो ये तो हो जाता है यहाँ पे डबल 12 टॉप। और ओवरऑल अभी ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, अभी चलते हैं हम यहाँ पे हमारे सबवूफर की तरफ, चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे सबवूफर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए अगेन ये भी आहूजा की तरफ से आता है। दूसरा यहाँ पे ये सिंगल 18 सबवूफर है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये है SWX1010। ये 1000 वाट के RMS पावर के साथ में आता है। अगर मैं इसकी प्रोग्राम पावर की बात करूँ तो 2000 वाट प्रोग्राम पावर इसमें आपको देखने को मिलता है। सिंगल 18 सबवूफर है, 5 इंची कॉइल के साथ में आता है, काफ़ी हैवी है। जब आपको मैं टेस्टिंग दिखाऊंगा ना दिल आपका खुश हो जाएगा। बाकी अगर मैं इसके ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे पहले ग्रिल की आप क्वालिटी देख लीजिए, काफ़ी अच्छी ग्रिल इसके अंदर देखने को मिलाती है। आहूजा की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए साइड हैंडल्स जो है वो यहाँ पे प्रॉपर दे रखे हैं, काफ़ी स्मूथली वर्क कर रखा है। अगर आप इसको काफ़ी लंबे समय तक भी अगर पकड़ के रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आहूजा की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग यानी ये CNC कटिंग से आपको जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिलाती है। यहाँ पे अगेन मजबूती वाला काम करा गया जो कि एलपत्ती अंदर से लगा रखा है कंपनी ने। ग्रूव्स यहाँ पे बना रखे हैं पैडल्स को रोकने के लिए ताकि बेस अगर ज़्यादा वाइब्रेट करे या फिर ये ऊपर के टॉप जो है वो इधर उधर हिले ना, इस बात का भी ध्यान दे रखा है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए ये स्मूथनेस ऑफ वर्किंग दे रखा है। ओवरऑल दो हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, दो हैंडल्स उस साइड भी जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये वाले साइड पे भी आपको दो हैंडल जो वो मिल जाते हैं। यहीं अगर मैं इसके बैक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए आहूजा की ब्रांडिंग है, SWX1010 यहाँ पे जो है वो मेंशन करा गया है। बाकी इसके अंदर स्पीकॉन्स जो है वो दोस्तों एक मिलता है, प्लस दूसरा जो है वो यहाँ पे टर्मिनल्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये भी प्योरली मेड इंडिया प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे बोल्ट्स की क्वालिटी देख लीजिए या पेंट की क्वालिटी देख लीजिए, सारी यहाँ पे फिनिश्ड कर रखी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये पेंट भी वैसा ही है जैसे कि आपको अगर गंदा हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत पानी चले जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात का कंपनी ने ध्यान रखा है। ओवरऑल यहाँ पे दोनों आपको ये मिल जाते हैं, दो आपको टॉप मिलते हैं, दो सबवूफर मिल जाते हैं सेटअप में। चलिए मैं भी आपको यहाँ पे एम्पलीफायर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे कि बता रहा था कि आपको एम्पलीफायर, मिक्सर और ये क्रॉसओवर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एम्पलीफायर्स को देख लेते हैं।
वही जाना माना फेमस नाम और वही जाना माना फेमस चेहरा वो है ये आहूजा का एलेक्से 4500। आप सभी का फेवरेट कहूँगा मैं एम्पलीफायर। काफ़ी कमेंट्स में मैंने देखेंगे भैया एलेक्से 4500 एलेक्से, यहाँ पे ये जो कि मॉडल्स आपको 2000 देखने को मिलता है इसको आप एक बार ज़रूर दिखाइए। तो लीजिए आप सभी के सामने पेश है। बाकी यहाँ पे आपको रूबरू करा देता हूँ सही से। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये फ्रंट ग्रिल्स आपको मिलते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए आपको देखने को मिलाते हैं। आहूजा की यहाँ पर ब्रांडिंग है, एलेक्से 4500 ड्यूल चैनल पावर एम्पलीफायर है। चैनल ए चैनल बी के वॉल्यूम नोब्स आपको मिल जाते हैं। टेम्परेचर सिग्नल एंड प्रोटेक्ट एंड क्लिप का इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। पावर ऑन स्विच ऑफ यहाँ पे बटन मिलता है। अगेन यहाँ पे प्रोडक्शंस काफ़ी अच्छे इसके अंदर दे रखे हैं। प्योरली मेड इंडिया प्रोडक्ट है, रफ एंड टफ यहाँ पे बनाया गया है। अगेन लगता ही ऐसा कि भाई ये इंडिया कंडीशन के हिसाब से या फिर हम भारतीयों के लिए यहाँ पे एम्पलीफायर को डिज़ाइन करा है और काफ़ी लोग आपको यहाँ पे इतनी पसंदीदा आपका एम्पलीफायर है। बाकी ये तो हो जाता है कि हाँ आपको इस पर बेस चलाना है, पीछे भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। यहीं अगर मैं टॉप के लिए बात करूँ तो सेम डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो 2U हो जाता है। जो कि ये वाला मॉडल ये है एलेक्से 2000 ड्यूल चैनल का एम्पलीफायर है। चैनल ए चैनल बी सेम वही इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट पे ग्रिल मिला था ताकि वेंटिलेशन रहे। अगेन आप इसको फ्लैट केस में भी फिट कर सकते हैं, इस तरीके का इसमें डिज़ाइन दे रखा है। तो ये तो हो जाता है इसका फ्रंट। अभी मैं आपको इसका बैक भी दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों इसका एम्पलीफायर का बैक साइड, जिसमें आपको ड्यूल फैंस आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पे अगर मैं इनपुट्स आउटपुट्स की बात करूं तो ये आपको XLR प्लस यहां पे TS का भी ऑप्शन दे रखा है। अगेन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम इंडियंस यहाँ पे DJ को प्ले कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे ये स्विचेस आपको मिल जाते हैं, ये लो पास फिल्टर्स हैं जिसमें आपको 80 से लेके 120 यानी दोनों के आपको ऑप्शंस जो वो मिलते हैं। लिमिटर का भी यहाँ पे आपको जो है वो स्विच मिल जाता है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड ऑन ऑफ करने का या फिर ये सेंसिटिविटी ये भी आपको स्विचेस जो है वो मिल जाते हैं। बाकी ये आहूजा की यहाँ पे आपको आहूजा रेडियस की ब्रांडिंग है, ये सीरियल नंबर वाइज होते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये सारी ओरिजिनलिटी की पहचान है। बाकी एक और चीज़ होगा जो कि मैं आपको अभी लास्ट तक बता दूंगा, तो ये टर्मिनल सॉकेट्स भी हैं, स्पीक ऑन सॉकेट्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे स्पीक ऑन सॉकेट्स का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे टर्मिनल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल जाते देख सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। ये रिसेट का बटन है इसका, ये अगेन काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये आपको पूरा का पूरा प्लग मिल जाता है जो कि ये 16 एम्पेयर का प्लग आपको देखने को मिलता है। सेम ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी यहाँ पे नक्शा चेंज है, बाकी सेम वही सारी क्वालिटी वही सारी चीज़ें मेंटेन करके यहाँ पे रखी है। यहीं तो ये हो जाता है दोस्तों एम्पलीफायर। ये जो कि ओरिजिनलिटी के लिए मैं आपको बता रहा था ना कि ये ज़रूर ध्यान रखना है भाई कि कभी भी आप किसी भी डीलर से या कहीं से भी एम्पलीफायर लें, आहूजा का कोई भी प्रोडक्ट लें, तो ये वाला स्टिकर को ध्यान रखना। और ये वाला जहाँ पे भी स्टिकर हो या फिर ये पहचान करने की एक बार कैमरा के थ्रू आप यानी मोबाइल के थ्रू जब उसको स्कैन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सिंपल आप कैमरा रखेंगे वहाँ पे स्कैन करेंगे और ये ओरिजिनल आपको पता लग जाएगा। ये बॉक्सेस पे भी होता है एम्पलीफायर के या फिर प्रोडक्ट के जो है बॉक्सेस पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए मिक्सर एंड क्रॉसओवर। यहाँ पे अगर मैं क्रॉसओवर की बात करूँ तो ये है दोस्तों ACX202, ये ड्यूल चैनल एक्टिव क्रॉसओवर हो जाता है जिसपे एक चैनल पे सबवूफर है, ठीक है ना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपको आपके नियरेस्ट डीलर्स पे मिल जाएगा इसलिए। यहीं अगर मैं बात करूँ मिक्सर की तो प्रो मिक्स 1442। अगेन यहाँ पे इस मिक्सर की मैं तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है क्योंकि यहाँ पे फीचर्स से ये भरपूर है जो कि आपको 1 चैनल से लेके ये 14 चैनल तक आपको यहाँ पे मिल जाता है। इनपुट्स अगेन XLR प्लस TS का दोनों का ऑप्शन आपको दे रखा है। बाकी यहाँ पे ये DSP यानी जो कि आपको ये मल्टी मीडिया इफेक्ट जो मिलते हैं ना DSP वाले, ये भी आपको मिलते हैं, 24 मिल जाते हैं। ये सारे फीचर्स जो कि बड़े बड़े या फिर कहूँगा मैं काफ़ी जाने माने ब्रांड्स के जो फीचर्स है वो इसके अंदर आपको मिलते हैं एक अच्छे प्राइस के साथ में। तो ये है दोस्तों इस मिक्सर की क्वालिटी। बाकी मैं आपको क्रॉसओवर के बारे में बता चुका हूँ, एम्पलीफायर के बारे में बता चुका हूँ। अभी चलते हैं हम यहाँ पे इसकी मज़ेदार सी टेस्टिंग ले लेते हैं।
दोस्तों कैसे लगे टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट बताना। और मैं कहूँगा भाई मेरे इतने एक्सपीरियंस की बात कि ये जो बज रहा था ना वो यहाँ पे किसी भी मतलब कह लीजिए ना कि डबल 18 बेस का क्वालिटी यहाँ पे पूरा निकल के आ रहा था। दूसरा यहाँ पे जो कि आपको मालूम है यार आहूजा के लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्वालिटी हमेशा से यहाँ पे बेस्ट होती है क्योंकि नाम भी यहाँ पे एक बेस्ट मिलता है। बाकी यहाँ पे एक बार मैं दोहरा देता हूँ इस सेटअप में क्या क्या हमको मिल रहा है। तो ये दो एम्पलीफायर हो जाते हैं जिसमें आपको एलेक्जे 4500, यहाँ पे एलेक्जे 2000 और यहाँ पे जो कि एक मिक्सर है, इसके अलावा एक क्रॉसओवर है और यहाँ पे ये दो 12 इंच के आपको डबल 12 इंच के टॉप मिल जाते हैं जो कि आपके एक्सपीएस इसकी सारी डिटेल्स ना एक काम करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो मेंशन कर दूंगा। बाकी ये दो सबवूफर्स आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल सारी क्वालिटी मैं आपको बता चुका हूँ। अवेलेबिलिटी के लिए आपको ये आपके नियरेस्ट डीलर के पास भी मिल जाएगा या फिर मैं आपको एक ये कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है बेसिकली आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, यानी इंक्वायरी करके आप अपने नियरेस्ट डीलर का एड्रेस या फिर परचेजिंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक लमसम प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ कि ये आपको 3 लाख के अंडर में जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी भी जो है वो इसका आने वाला है जिसमें आपको काफी तगड़ा सेटअप जो मिलने वाला है, इससे भी हैवी सेटअप मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, इस वीडियो पे जितना ज्यादा लाइक होगा उतनी जल्दी मैं उस वीडियो को यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।